परंपरागत रंगोली बनाने के लिए आटा सर्वोत्तम आधार होता है। होली के रंगों से दीपावली की यह कला रंगोली बड़ी आकर्षक सजाई जाती है। इसके लिए अबीर गुलाल के साथ ही साथ चंदन पिठिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह डिजाइन के माध्यम से भी हम रंगोली को आकर्षक बना सकते हैं। ये डिजाइन मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एक साथ कई रंगों का मिश्रण इसमें मिलाकर आकर्षक आकृति इसमें दी जा सकती है। इस तरह शुभलाभ भी बनाया जा सकता है। हाथ से बनने वाली रंगोली में एक मखमली लुक आता है, जिससे रंगोली और भी ज्यादा आकर्षक नजर आती है। इस तरह अंतिम रूप से रंगोली तैयार हो जाती है। यूं तो रंगोली बनाने की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बड़ी और कितनी भी आकर्षक बनाई जा सकती है, किंतु यदि छोटे रूप में दी जाए तो इस तरह से आकर्षक बनाई जा सकती है। परंपरागत रंगोली को हम फूलों के माध्यम से भी और अच्छा बेहतर सजा सकते हैं। रंगोली का सबसे अहम भाग है जलते हुए दिए, जिसे हम रंगोली के बीच में या किनारे पर कहीं भी सजा सकते हैं। अंतिम रूप देने के लिए रंगोली को इस तरह हम दीपों से सजाते हैं। परंपरागत वेशभूषा में कुमाऊनी इस कला को हम दिखा रहे हैं आपके बीच में। रंगोली उतनी ही आकर्षक लगती है जितनी कि हृदय की गहराइयों से इसे बनाया जाता है।